और आज का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आप सब समझ रहे हैं उस चीज़ को, वह है अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर। यह परीक्षा 24, 25 और 26 अपने निर्धारित तिथि और कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। फिलहाल के हिसाब से वो अपने निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से ही वो आयोजित की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन दिए हैं, वो सभी के सभी इसमें भाग लेने के लिए अधिकृत हैं, वो भाग ले सकते हैं। आप सब लोगों को जानकारी दे दूं कि हम लोग परीक्षा के स्टेज पर हम किसी भी अभ्यर्थी का की पात्रता या उसकी पात्रता नहीं है, इसकी जांच नहीं करते हैं। स्वघोषणा आधारित वो जो भी अपना तथ्य आवेदन में दिए हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं और उसके हिसाब से हम उसे परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुमति देते हैं, एडमिट कार्ड इशू करते हैं। और एक बार जब उनको एडमिट कार्ड इशू हो गया तो वो परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब स्टेज आता है, उस समय हम चेक करते हैं कि वो जो दावा किए हैं कि वो योग्य हैं, पात्र हैं, उसके बारे में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग जरूर पूछेंगे और सब लोगों को ये संशय है कि बीएड वालों के केस में स्पष्ट कुछ होना चाहिए कि स्थिति क्या है। देखिए, आप लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश देखा होगा, उसके पेज 45 में के अंतिम पैरा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने बीएड अभ्यर्थियों से आवेदन नहीं लिया, उनको रोक दिया आवेदन देने से। ये गलत हुआ क्योंकि उस समय एनसीटीई का जो गाइडलाइंस था वो प्रभावी था, और जब तक गाइडलाइन प्रभावी है तब तक उसको मानना राज्य सरकार को था। और इस दृष्टिकोण से माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ने यह कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने यह गलत किया। उनको चैट जीपीटी सीखना है, आ दूंगा ना चाहिए था बीएड अभ्यर्थियों से भी। हमारे मामले में भी वही बात लागू होता है। जिस समय हम लोगों ने आवेदन आमंत्रित किया, उस समय ये बीएड अभ्यर्थी पात्र थे, योग्य थे, और इसलिए उनको आवेदन आमंत्रित करने का मौका दिया गया और उन्होंने आवेदन दिया भी। उसी में आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि ये एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है, सेट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, कि कोई भी वैधानिक संस्था द्वारा कोई एक वैध विधिवत कोई एक आदेश निर्गत होता है तो वह तब तक प्रभावी होता है जब तक कि वो रद्द नहीं हो जाए किसी कोर्ट के आदेश से या किसी अन्यथा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 11 तारीख के पहले वो आदेश प्रभावी था एनसीटी का, और उसमें जो भी अधिकार उस सर्कुलर के बेसिस पर जो भी अधिकार लोगों को मिला वो अधिकार सुरक्षित है, वो उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग नौकरी पा लिए पहले से, उनकी नौकरी भी सुरक्षित है। जिन लोगों ने एग्जाम में अपियर होने का अधिकार प्राप्त कर लिया, उनका वो अधिकार भी सुरक्षित है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बीएड के अभ्यर्थी जो हैं वो बेशक एग्जाम में अपियर हो सकते हैं क्योंकि उनका यह अधिकार सुरक्षित हो चुका है। लेकिन यह अधिकार उनके सिर्फ एग्जाम में अपियर होने का है जो कि सुरक्षित है, उसके फल पर उनका अधिकार अभी नहीं बना है। परीक्षा फल के अधिकार के बारे में इसमें हमारे विज्ञापन में भी यह अंकित है
कि कोई भी निर्णय एनसीटी के परामर्श से जो राज्य सरकार जो निर्णय करेगी वही मान्य होगा, क्योंकि हम लोग एनसीटी से गाइडेड होते हैं। और जैसा कि आपने मैंने पहले बताया कि पेज 45 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लाइट में कि राजस्थान सरकार को भी एनसीटी के आदेश को मानना चाहिए था क्योंकि वो उस समय प्रभावी था, और हम लोग भी उसी को मानते हैं। और एनसीटी का गाइडलाइन जो भी रहेगा, राज्य सरकार का जो भी उस पर जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा, वही मान्य होगा।